तबीयत खराब होने के बावजूद एक नंबर क्या दोस्त, दो नंबर और सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहे हैं, बात बट बुखार भी है थोड़ा हमको, ऐसे कैसे करके हम एग्जामिनेशन दिए हैं। बात मेरा आवाज़ देख के पता चल ही रहा होगा कि मेरा भी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, क्योंकि शाम में हम भींग गए थे और उसके बाद फिर आने के बाद हमने एसी में सो लिया। वो बहुत बड़ा गलती था कि एसी में सो जाना, तो उस कारण से ही थोड़ा सा फीवर टाइप लग रहा है और फिर पूरा शरीर भी दर्द कर रहा है थोड़ा मोड़ा, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में। तो अभी तो 10 बज चुका है, 10 बजे निकल रहे हैं, अभी वही रिवीजन करने के लिए जाना तो पड़ेगा ही और एग्ज़ाम भी है। आज सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है, जो कि आज एग्ज़ाम है रेलवे इंजीनियरिंग का, तो उसके बारे में जाके फिर रिवाइज करके जाके एग्ज़ाम दे देना डायरेक्ट, और देखते हैं कैसा क्या तबीयत रहता है आगे वहाँ पहुँचने के बाद, फिर आगे का देखते हैं। चलो फिर मिलते हैं, अभी चलते हैं, बाइक पर शिफ्ट हो जाते हैं। आज तो कंपैरेटिवली कल के कंपैरिजन में आज कम भीड़ है रोड पे, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है उतना कल के लिए, क्योंकि उधर भी उधर पीछे से आया ना वहाँ पे भी नहीं था बट, लेकिन अभी दनार का नहीं पता कि क्या है सीन उधर, और थोड़ा थोड़ा हमको ठंडा ठंडा लग रहा है ज़्यादा, और वेदर भी ठंडा ही है बट लेकिन बुखार के कारण थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, तो यही है। और ये बुखार सर्दी ये उसके बाद जो खांसी ये सब मतलब इरिटेट करके रख देता है। पहले तो बुखार रहेगा तो पूरा शरीर पूरा एकदम दर्द दर्द हो जाता है, उसके बाद फिर तो सर्दी रहेगा तो करते रहो पूरा, लेकिन सर्दी अभी तक तो नहीं हुआ है बात बाकी, लेकिन खांसी है, और खांसी होता है तो फिर अजीब होने लगता है, दिमाग ख़राब। कोई बात नहीं, चलते हैं अभी, और अभी कॉल तो नहीं आया था, मतलब उधर से आया एक कॉल आया था बस, तो वही तो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जाम वगैरह है कि क्या सीन है आगे का। तो नार में भी जाम नहीं है तो हास अब निकलते हैं फटाफट, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब उधर होगा तो जाम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन इधर से निकल जाना ही बहुत बड़ा बात रहता है। हाँ तो मिलते हैं अभी जाके रणवीर के रूम पर डायरेक्टली। तीनों का तबीयत खराब है और रणवीर का भी कुछ ज़्यादा ही है, क्या करेगा पता नहीं, कौन पहले निकलेगा पता चला, कोई नज़र लगा दिया हम तीनों का, पहले निकलता है इसको नज़र लगा। चलते हैं अभी एग्ज़ाम देने, थोड़ा लेट हो गया, आज 1:45 होने वाला है, अब निकल रहा है, लेट्स गो। इतना स्लो चल रहे हैं कि कल तक पहुंच जाएंगे कॉलेज को। चलते हैं एग्जाम देने। तबीयत खराब होने के बावजूद एक नंबर क्या दोस्त, दो नंबर हमको देखा कि ही भी निकल गए, आ गए 1 मिनट, आ गए आ गए, बहुत ज़्यादा ही सिर दर्द कर रहा है मेरा, खतरनाक लेवल में। निकलते हैं अभी थोड़ा आगे, चाय वाय पीते हैं उसके बाद फिर बढ़ेंगे घर। तो अभी अभी निकल गए अब हम वहाँ से रणवीर के रूम पर से, और 4:51 हो रहा है और सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है, बात बट बुखार भी है थोड़ा हमको, फीवर हो गया है, पूरा पूरा बॉडी भी पेन कर रहा है एकदम खतरनाक लेवल में, कैसे कैसे करके हम एग्जामिनेशन दिए हैं। सो के हम लिख रहे थे, एक हाथ डाल के फिर उस पर सिर रख के लिखे जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज पूरा कंप्लीट नहीं लिखे हैं, सारा लिखे हैं ये नहीं कि, बट लेकिन एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस आना, वही अप टू द मार्क वाला बात हो गया अभी, तो बोल सकते हैं कि अप टू द मार्क पूरा नहीं लिख पाए हम, तो वही है अभी का सीन। और मौसम भी ऐसा है ना कि इसमें ठंड लग रहा है हमको, जबकि शर्ट भी पहने हुए हैं, एक टी शर्ट भी अंदर में है, वो भी मोटा वाला हाफ टी शर्ट, तब भी बात बाकी अभी बढ़ रहे हैं घर ही की तरफ, जल्दी जाएंगे वहाँ फिर घर पे, तो फिर वहाँ रेस्ट करेंगे ना, एक राउंड दो राउंड सो जाएंगे ना तो सही हो जाएगा फिर फटाफट, लेकिन आज वीडियो भी एडिट करना है हमको,
तो रात में 8 बजे करेंगे, आज शाम में नहीं निकलेंगे। हिम्मत ही नहीं हो रहा है, इतना बॉडी पेन कर रहा है कि क्या ही करें। अभी बढ़ते हैं आगे, इतना भी ये ब्रेकर आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है रोड, इतना बार मेरा सिर दर्द कर रहा है, इस लेवल का दर्द हो रहा है अभी तो। चलो बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं। और एक और चीज़, जिस हिसाब का बादल का अमाउंट दिख रहा है हमको, एकदम काला काला बादल, उस हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, बट लेकिन बारिश नहीं हो तो भी बढ़िया, नहीं तो हम फिर भीग जाएंगे। इस बार भीगेंगे तो पूरा एकदम चौपट हो जाएगा। एक चीज़ और है बेनिफिट मेरे पास अभी एग्ज़ाम का, कि आज हो गया एग्ज़ाम, फिर कल नहीं है, परसों भी नहीं है, 28 को है डायरेक्टली, तो 2 दिन हमको मिल गया रेस्ट करने के लिए। एक चीज़ ये बढ़िया हो गया, टाइम पे सही हुआ है, टाइम पे ही लगा है बुखार हमको, नहीं तो एक दिन बीच करके रहता तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि पढ़ नहीं पाते, मतलब आ नहीं पाते इधर रणबीर के रूम पे, यही हो जाता एक सीन। बट लेकिन ऐसा 2 दिन का टाइम है तो देखते हैं कहीं सही हो जाए, अगले दिन ही आराम करेंगे तो लग ही रहा है कि सही हो जाना चाहिए। और ये लगा हुआ है आगे जाम, और शायद से गुमती तो उठा हुआ है, बट लेकिन कितने देर में क्रॉस हो पाएंगे यहाँ से, वो चीज़ डिपेंड करता है अब जाम पे। और मेरा हालत ख़राब होते जा रहा है, और क्योंकि हम फ़ोन माउंट किए हैं तो ये भारी हो जाता है ना, जितना भी वेट होता है वेट आ जाता है पूरा हेलमेट पे ही, और फिर आगे की तरफ मेरा सिर झुका हुआ रहता है, इस कारण से थोड़ा हैवी लग रहा है। अभी होगा तो निकाल देंगे अभी आगे जाके, पहले इस जाम से तो निकल जाए। निकालिए जाम में, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा चलाने का, आज का अजीब व्लॉग बन गया होगा हमको पता है। हालत ख़राब, क्या ही कर सकते हैं अभी। ओहो फाइनली निकल ही गया जाम से, अब कुछ नहीं, अब बढ़ते हैं, थोड़ा फ़ोन माउंट निकालते हैं, क्योंकि पहले से सिर दर्द हो रहा है और बढ़ जाएगा इस कारण से, थोड़ा निकाल लेते हैं। चल मिलते हैं अभी घर पे। तो वही लास्ट वीडियो शूट करने के बाद जो लास्ट क्लिप था इस वीडियो में, उसको फिर डायरेक्टली हम 2 दिन के बाद ही कर रहे हैं वीडियो शूट, परसों, कल भी कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं किए, बस ये वीडियो एडिट कर रहे थे, बाद बाकी अभी भी मेरा इंग्रेडिएंट चल ही रहा है, तो यही अभी का सीन था। तो 2 दिन से व्लॉग नहीं किए थे क्योंकि घर पे ही हम बेड पे ही थे, और 2 दिन से हम कुछ नहीं किए ऑलमोस्ट, ना बाहर गए थे ना कुछ, तो इसी कारण से ये वीडियो एंड करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी थोड़ा मोड़ा रिकवर हो गया मेरा तबीयत, और 2 दिन से बहुत ख़राब था, 2 दिन से नहीं, कल और परसों शाम में आए डायरेक्टली हम सो गए थे, तो ये कल कॉलेज जाना है, कल एग्ज़ाम भी है वापस से, तो कल ही जाके वहीं पे पढ़ के डायरेक्टली फिर वहीं से चले जाएंगे, तो कल तक और रिकवर हो जाएगा मेरा अच्छे से। तो यही अभी का अपडेट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।